हे गाइस, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। पापा बनने वाले हैं गुरमीत चौधरी। शादी के 11 साल बाद वाइफ देबीना बनर्जी हुई प्रेग्नेंट। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी माता पिता बनने वाले हैं। इस बात की इन्फॉर्मेशन कपल ने खुद अपने सोशल अकाउंट से दी है। कपल के पोस्ट शेयर करते ही फैंस सहित टीवी के सितारे उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और शादी के लंबे समय बाद दोनों काफी खुश भी हैं। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। फिर लौटेगी पार्थ नीति की जोड़ी। खबरें सामने आई है कि पार्थ संथान और नीति टेलर कैसी ये यारियां के नए सीजन में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि नीति और पार्थ को इस शो के पिछले सीजन में काफी पसंद किया गया था और अब चौथे सीजन के आने की खबर हर तरफ फैली हुई है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। एकता के शो मोलकी को लेकर लिया गया ये फैसला, लीड एक्ट्रेस ने भी छोड़ा शो। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला शो मोलकी पिछले कई दिनों से ऑफर होने के कारण चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में खबरें सामने आई थी कि शो को एक अच्छे नोट पर खत्म करने के लिए मेकर्स ने चैनल से कुछ दिन के लिए मोहलत मांगी है। वहीं अब खबरें हैं कि मोलकी को कलर्स रिश्ते पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर शो की कहानी खत्म होती नजर आएगी। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि खबरें ये भी सामने आई है कि शो की लीड एक्ट्रेस प्रियल महाजन ने शो को फाइनली छोड़ दिया है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। मांग में सिंदूर लगाए बर्फ में खेलती दिखी मौनी रॉय। मौनी हनीमून से लगातार कई सारी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रही हैं। हनीमून की लेटेस्ट तस्वीरों में मौनी रॉय येलो जैकेट, ग्लव्स और जैगिंग पहने नेचुरल लुक में नजर आ रही हैं। मांग में पति के नाम का सिंदूर लगाए मौनी बर्फीली वादियों के बीच लाइट मेकअप लुक में बेहद खूबसूरत दिखाई दी। मौनी की हनीमून की तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये खूबसूरत नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। मौनी भी बर्फीली वादियों के बीच अपने हर पल को यादगार बनाने में जुटी है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। टीवी की संध्या बिंद्री ने भाभो संग लगाए ठुमके, ऑन स्क्रीन सास बहू का दिखा बेहतरीन डांस वीडियो। स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल दिया और बाती हमको खत्म हुए सालों बीत गए, लेकिन आज भी सीरियल से किरदार लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। संध्या बिंद्री से लेकर भाभो तक सीरियल का हर एक किरदार लोगों का पसंदीदा था। खास बात तो ये है कि दिया और बाती हम की संध्या बिंद्री यानी कि दीपिका सिंह और भाभो यानी नीलू वाघेला एक बार फिर से अपने अंदाज से छा गए। दरअसल उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ऑन स्क्रीन सास बहू साथ में ठुमके लगाते नजर आ रही हैं। इस वीडियो को दीपिका सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। रुबीना दिलेक का नया फोटोशूट कलर्स टीवी ने नागिन इमोजी के साथ किया कमेंट। नागिन 6 में नागिन रोल के लिए एक्ट्रेस का सिलेक्शन किया जा रहा था, तब कई फैंस द्वारा रुबीना दिलेक का नाम ले रहे थे। हालांकि नागिन का रोल तेजस्वी प्रकाश को मिला, लेकिन रुबीना अपने नागिन लुक की कई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं। पहले रुबीना ने ब्लैक बॉडी फिटेड ड्रेस पहने टैटू मेकअप करवाया था, जिसकी तस्वीरें जो फैंस ने देखी तो वो सभी उनको अपकमिंग नागिन कहने लगे। हमेशा की तरह रुबीना की इस तस्वीर पर फैंस ने जमकर कमेंट किए और अब हाल ही में रुबीना ने फेस पर व्हाइट कलर की डिजाइन के साथ मेकअप करवाया। इस फोटोशूट की तस्वीरें भी फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं। वहीं कलर्स टीवी ने इन तस्वीरों पर नागिन इमोजी के साथ कमेंट किया है। साथ ही कई फैंस ने रुबीना के इस लुक को नागिन लुक बताया है, तो किसी ने रुबीना की आंखों की तारीफ की। टीवी का तड़का, सातवीं रात्रि टॉप न्यूज। इस वजह से श्रद्धा ने ठुकराया स्टार प्लस के शो स्मार्ट जोड़ी का ऑफर। श्रद्धा आर्य और राहुल नागल से जुड़े सूत्र ने bollywoodlife.com को बताया है कि वो टीवी का एक फेमस चेहरा है। ऐसे में स्टार प्लस की स्मार्ट जोड़ी के लिए उन्हें चुना गया था। सूत्र ने उनके शो को ठुकराने का कारण बताते हुए कहा कि मेकर्स और चैनल श्रद्धा आर्य और उनके पति राहुल नागल को लेकर काफी एक्साइटेड है। वो टीवी का एक फेमस चेहरा भी है, हालांकि उन्होंने शो को शांतिपूर्वक मना कर दिया है। सूत्र ने बताया कि उनके पति भारतीय नेवी में हैं और वो ऐसे शो का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।